नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो इस डिजाइन्स का पार्ट थ्री बताने वाला हूँ। पार्ट वन में मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी, इस प्रकार से यहाँ से स्टार्टिंग कैसे की थी वो मैंने बता दिया था। फिर पार्ट टू में इसके आगे की डिजाइन्स मैंने बताई है, और ये पार्ट थ्री में इसको पूरी डिजाइन्स मैं आपको बताऊँगा, और लास्ट में ये कैसे बांधते हैं वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। कि बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि लास्ट में हम कैसे मैच करते हैं, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। और ये ताना कैसे तानते हैं, माइक कैसे गूंथते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। या कुछ वीडियो दोस्तों मैं इस वीडियो के आई बटन में ऊपर राइट साइड में आई बटन होता है वहाँ पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए इस डिजाइन में आपको अलग डिजाइन दिखा रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने थोड़ा अलग डिजाइन बताई थी, पार्ट टू में थोड़ा अलग डिजाइन, और ये पार्ट थ्री में अलग डिजाइन बता रहा हूँ। इस प्रकार से दोनों डिजाइन्स आप दोस्तों अलग अलग देख सकते हैं। तीनों में तीन डिजाइन्स थोड़ा बहुत आप मैच करेंगे, हल्का अलग अलग डिजाइन्स आपको दिखेंगे दोस्तों। और यदि पार्ट वन आपने पार्ट टू देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से भी आप देख दोस्तों देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे को बोल रहे थे कि माही कैसे गूंथी जाती है, ताना कैसे तानते हैं, तो उसके बारे में दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। जिससे चारपाई में हमने किस प्रकार से माइक होते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं ताना की, वो सभी चीज़ मैंने बताया। यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा ये हर डिजाइन का। वैसे तो मैं दोस्तों आपको हर बार नई नई डिजाइन सिखाता रहता हूँ, और आज भी ये अलग डिजाइन लाए हूँ। इस पूरी चार में एक साथ में आपको तीन तीन फूल अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है दोस्तों, एक ही चारपाई में तीनों फूल उतारना चाहते हैं या तीन चारपाई में उतार भी सकते हैं आप, या आप दो चारपाई में भी उतार सकते हैं फूल, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको फूल कौन से फूल बनाने हैं या नहीं बनाने, वो तो आप ही फैसला करेंगे दोस्तों। हमें कौन सा फूल आपको अच्छा लग रहा है तो वो फूल आप बना सकते हैं। या आपको चारों डिजाइंस के तीनों डिजाइंस के फूल अच्छे लग रहे हैं आपको तो तीनों डिजाइंस बना सकते हैं, या दो डिजाइन आपको अच्छी लग रही हैं तो दो डिजाइन बना सकते हैं, या आपको दोस्तों एक डिजाइन अच्छी लग रही है उसमें एक डिजाइन बना सकते हैं। और ये डिजाइन सबसे आसान है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों मैं इससे पहले भी बहुत सी वीडियो बनाए थे, लहर की बनाई थी मैंने और फूलों की भी बनाया है मैंने, तो वो भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी है कि फूल हमारा कई प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे कम डॉट होता है वो तीन रस्सियों से बनाई जाती है, फिर उसके बाद में आप पांच रस्सी से फूल बना सकते हो, और फिर सात रस्सी से, फिर नौ रस्सी से बना सकते हो, और फिर ग्यारह रस्सी से, और लास्ट तेरह रस्सी से बना सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप तीन रस्सी के फूल बना सकते हो, तीन मतलब आप तेरह रस्सी तक लास्ट फूल बना सकते हो दोस्तों, उससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप जो भी आपको डिजाइन्स में अच्छा लगता है, सभी फूल वैसे मैंने बताए हैं, पांच रस्सी का बताया, सात रस्सी का भी, नौ रस्सी का भी, ग्यारह का भी, तेरह का भी, वो सभी फूल बताए हैं दोस्तों मैंने। अब जो फूल आपको अच्छा लगे वो फूल आप डाल सकते हैं अपनी चारपाई में, कि ये फूल मेरे को अच्छा लग रहा है तो वो फूल बना लीजिए। आपको जो भी आपको डिजाइन्स में अच्छा लगता है वो फूल आप बना सकते हैं दोस्तों, कि ये डिजाइन्स में हमारा अच्छा फूल है सात रस्सी का तो सात रस्सी का उतार लीजिए, यदि पांच रस्सी का आपको अच्छा फूल लग रहा है तो आप पांच रस्सी का बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार, या ग्यारह रस्सी का फूल अच्छा लग रहा है तो ग्यारह रस्सी का बना लीजिए, या उसके अलावा भी बहुत से फूल हैं आप वो भी आप बना सकते हैं। डिजाइन्स मैंने बहुत सी बनाई हैं, फूल भी चारपाई किस प्रकार से बनाई जाती है, डिजाइन्स किस प्रकार से बनाई जाती है, वो सभी चीज़ मैंने बताया दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं, यदि आपको नौकड़िया की छकड़िया खाट जानना है
तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसमें भी दोस्तों सिंपल नहीं, आप तो उसमें भी आपको डिजाइन्स मिलेंगे। सिंपल आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन मैं आपको दोस्तों हमेशा डिजाइन्स की बताता हूँ, तो उसमें भी आप डिजाइन सीख सकते हैं। डिजाइन्स किस प्रकार से बनाई जाती है वो आपको देखना होगा दोस्तों, कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेंगे नौकड़िया की छकड़िया खाट के और चौकड़िया खाट के, उसमें डिजाइन्स कैसे बनाई जाती है वो तो आप वहीं जाकर आप देखेंगे तो ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से डिजाइन्स बनाई जाती है। तो वो सभी चीज़ आप चैनल पे जाकर ही दोस्तों आपको पता चल पाएगा। और यदि आपके डोका से आपको मुड्डा बनाना है या छोटी मुड्डी बनानी, जो हमारे पुड़ा होते हैं या डोका भी बोल देते हैं हम, तो वो भी दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कि देखो यहाँ हम पीछे रह गए, ये आगे चले गए, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ एक आटा आपको फालतू लगा देना है। वो अधिक कैसे लगाएंगे आटा, देखो एक बार हमने ले लिया है, फिर इससे दोबारा लेंगे तो ये हमारा दो आटे लग जाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, आप दोनों तरफ से बराबर आ जाओगे इस तरफ से, तो ये हर आपको 5-10 रस्सी बाद में ही लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वैसे दोस्तों ये दोनों तरफ आपको लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों तरफ क्यों लगाना है, उसके पीछे भी एक रीजन है कि आप ये और ये दोनों आपको बराबर आ जाए हमारी। यहाँ पे देखो इस प्रकार से ये दोनों तरफ लगाएंगे हम, ताकि हम बराबर चलते रहें चारपाई के दोनों। वैसे आप यदि ऐसे बराबर नहीं पता चलता आपको, तो ये आपकी बाई होती है, इसको नेप लीजिए आप और माप के आपको पता चल जाएगा कि हम बराबर चल रहे हैं। अगर जिधर से आपको कम लगता है इधर हम पीछे हैं या इधर पीछे हैं, तो दो आटा उधर ही लगा दीजिए। जिधर आपको अंदाजा लगता है कि हम यहाँ से पीछे हैं, तो वहीं पे भी दोस्तों आप आटा लगा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ आप देखेंगे और ये रस्सियों को डालेंगे, तो इस प्रकार से चारों फूल देखिए यहाँ पे अलग अलग रस्सी मैंने डाली है और ये चारों फूल आपको अलग अलग दिखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से चारों फूल आप बनाएंगे, 1 2 3 चारों फूल एक साथ बनेंगे, तो ये सभी चीज़ आप दोस्तों कर सकते हैं। तो चारों फूल एक साथ ये आपको दिख जाएंगे, एक ही सेम आपको डिजाइंस में दिखेंगे दोस्तों, इसलिए आपको डिजाइन सेम आप बना पाएंगे। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों इसके साथ साथ में, यदि आपको नाम लिखना सीखना है कि चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल से नंबर कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई। चारपाई में मैंने नाम भी लिखकर दिखाया है, हिंदी में इंग्लिश में, और मोबाइल से नंबर भी लिखकर दिखाए, तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। कुछ चारपाई में मैंने नाम लिखकर दिखाया विद मेरे मोबाइल नंबर भी, तो वो भी मैंने बताया दोस्तों। और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों चारपाई के डिस्क्रिप्शन में या नीचे अंडरलाइन चलती है, तो वहाँ भी मेरा पूरा एड्रेस और विद मोबाइल नंबर रहते हैं, तो वहाँ भी कुछ आप यदि हेल्प चाहते हैं तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि नियर बाई के हैं तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर के लग रहे हैं दोस्तों तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आप बात दोस्तों कर सकते हैं हमारे से। और मैं आपको बता रहा था नाम की बात, तो नाम में दोस्तों मैंने दो दो डिजाइन से नाम लिखकर बताया आपको कि चारपाई में दो दो डिजाइन से नाम कैसे लिखे जाते हैं। हिंदी में भी बताया दो दो डिजाइन से मैंने, और इंग्लिश में भी दो डिजाइन से बताया, और इसी प्रकार दोस्तों मैंने दो डिजाइन से ही मोबाइल नंबर बताए, तो दोनों डिजाइन के मोबाइल नंबर भी सीख सकते हैं। मैंने कई चारपाई में मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, एक नंबर कैसे लिखते हैं, दो नंबर कैसे लिखते हैं, या 5 6 कैसे लिखते हैं, पूरे मोबाइल नंबर किस प्रकार से लिखा जाएगा वो भी मैंने बताया है। एक अक्षर से दूसरा अक्षर कैसे लिखे जाते हैं वो सभी अक्षर मैंने बताए दोस्तों, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक। और कुछ चारपाई में मैंने नाम लिखकर भी दिखाया है और मोबाइल नंबर भी, किसी किसी चारपाई में तो दोस्तों मेरे भी मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं किसी में डाला रहता हूँ, या वीडियो के नीचे अंडरलाइन चलती है
वहाँ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा भी सकते हैं। उसमें दोस्तों आप नाम डलवा सकते हैं, अपना एड्रेस जो भी आपको डलवा सकते हैं बनवा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर लिखवाना है तो वो भी लिखवा सकते हैं, नाम लिखवाना है नाम लिखवा सकते हैं, यदि आपका गांव का नाम लिखना है हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखवा सकते हैं दोस्तों आप। ज़्यादातर इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट हो हिंदी में लिखना तो वो भी मैं लिख देता हूँ। कुछ में मैंने हिंदी में नाम लिखकर दिखाया है और इंग्लिश में भी। और बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है कि मेरा नाम लिखकर बताइए, मेरा नाम लिखकर बताइए। तो उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखता हूँ। जो भी आपने आज तक नाम देखे होंगे वो मैं किसी के ऑर्डर पे ही नाम लिखता हूँ दोस्तों। तो ऑर्डर पे ही मैं बनाता हूँ चारपाई, तो ऑर्डर पे ही मैं लिखता हूँ नाम। तो देखिए ये मैंने चारों फूल एक डिजाइन के बना दिए दोस्तों, ये मेरे देखेंगे तो चारों फूल आपको सेम डिजाइन के दिखेंगे। और धीरे धीरे इन रस्सियों को थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा सेट करते रहिए ताकि ये रस्सी इधर उधर ना जाए। कई दोस्त पूछ रहे हैं कि हमारी रस्सी अंदर की तरफ चल जाती है, यहाँ से अंदर हो जाती, तो अंदर होने का यही रीजन है दोस्तों, हम थोड़ा ध्यान नहीं देते और इसलिए वो थोड़ी अंदर ही है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे इनको साथ ही साथ इधर ऐसे सेट करता रहता हूँ। तो आप भी इसको साथ ही साथ रस्सियों को थोड़ा इस प्रकार से मैनेज कीजिए उसको, तो हमारी रस्सी सभी बराबर रहेंगी। इस प्रकार से इनको सभी को सेट आपको करते रहना है दोस्तों ताकि ये अंदर नहीं जाएंगे। और आगे इसी प्रकार से डिजाइन ये बनाते रहिए। अब थोड़ा हमारा सीक्वेंस ये चेंज हो जाएगा, पहला फूल हमारा ये अलग बन गया दोस्तों। अब मैं डिजाइन आपको अलग बनाकर दिखा रहा हूँ, इसमें इस प्रकार से ये अलग अलग डिजाइन में आप बना सकते हैं। ये फूल हमारे हैं वो बनेंगे आपको अलग अलग डिजाइन से बनाएंगे और धीरे धीरे आपको अलग डिजाइन बनती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से मैं एक आटा लगा दिया इसमें कि आपको लगता है कि हम थोड़ा पीछे रह गए तो उसी समय आपको आटा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखेंगे और ये एक विशेष का ध्यान रखेंगे दोनों तरफ लगाएंगे। और रस्सी हमेशा जब भी ताना ताने दोस्तों सीक्वेंस में देखें, यदि आप दो कलर का ताना तान रहे हैं तो दो कलर का या सेम रस्सी भी आप डाल सकते हैं। और यदि बनाई में दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें आप चाहें तो दो कलर की रस्सी ले सकते हैं या तीन कलर की भी, या आपके ऊपर है दोस्तों। या आप ताना चाहें तो आप पूरे एक कलर का भी ताना तान सकते हैं, फिर उसमें ये अलग अलग डिजाइन भी इस प्रकार से बना सकते हैं। वो सब आपके ऊपर है कि दोस्तों आपको कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है कौन सी नहीं लग रही है, तो इस हिसाब से आप ये बनाएंगे और देखेंगे हमें ये डिजाइन अच्छी लग रही है तो वो आप बना लीजिए। एक बात और बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको, यदि आपको हाथी घोड़ा ऊँट उतारना है तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि ऊँट कैसे बनाया जाता है, हाथी घोड़ा कैसे बनाया जाता है, मोर कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है। यदि वो भी देखेंगे हमारे चैनल पे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बोतल में चारपाई कैसे डाली जाती है ये बहुत से दोस्त पूछते हैं दोस्त मेरे को, तो दोस्तों को मैंने बोतल में चारपाई भी डालकर दिखाई है किस प्रकार से डाली जाती है बोतल में चारपाई, वो भी दोस्तों मैंने बताया है। सॉरी दोस्तों ये रस्सी थोड़ा गलत डल गई थी तो ये मैंने अभी सही कर दी है, तो इस प्रकार से आप ये सही कर लीजिए। वो रस्सी हल्की ये गलत डल गई थी यहाँ पे, तो आगे भी ये गलत हो जाती है, एक बार सीक्वेंस गलत हो जाता है तो आगे भी गलत हो जाएगा, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है सीक्वेंस का भी। तो देखिए आगे इस प्रकार से यहाँ पे अलग फूल बनेंगे दोस्तों, ये चारों आपको मैं अलग फूल बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप सीक्वेंस में फूल डालिए ये रस्सी और आपको ये अलग फूल बनेंगे, ये हमारे अलग डिजाइंस में अलग फूल बन जाएंगे। तो इस प्रकार के दोस्तों पार्ट वन में आप देखेंगे तो अलग डिजाइंस मिलेगी, पार्ट टू में अलग मिलेगा, पार्ट थ्री है ये से थोड़ा इसमें अलग मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें दोस्तों, तभी आपको पूरी ये सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा कि कौन से सीक्वेंस में हमारा क्या डिजाइन डली हुई है। कुछ दोस्त मेरे को पूछते हैं कि पार्ट वन देख लेते हैं पार्ट टू नहीं देख पाते हैं, और पार्ट टू देख लेते हैं पार्ट थ्री नहीं देख पाते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं दोस्तों।
उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट सभी देखें, और जब भी वीडियो देखें तो आप अंत तक देखें ताकि आपको सब एक एक रस्सी के बारे में पता चल सके और आप समझ सके दोस्तों। तो इसलिए आप पूरी डिजाइन देखें और उसको समझें, तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डिजाइन बनी है। सॉरी दोस्तों, ये रस्सी थोड़ा गलत डल गई थी, ये सीक्वेंस में हमारी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने निकाल कर इसको सही कर दिया है। तो आप भी अपनी रस्सी निकाल कर ये रस्सी सही कर दीजिए, जिन रस्सियों में ऐसी सीक्वेंस में बनना चाहिए वो सीक्वेंस नहीं बन रहा था दोस्तों, इसलिए वो रस्सी को सही किया है। तो आप भी अपनी रस्सी को सही कर लीजिए। अब आगे देखिए किस प्रकार से रस्सी में डालकर दिखाता हूँ आपको, किस प्रकार से आगे डालनी है दोस्तों, तो वो सभी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सभी रस्सी इसी प्रकार से आप डालते रहेंगे तो आपकी ये डल जाएगी, इसी प्रकार हमारे निश्चित सीक्वेंस में रस्सी आएंगी। यदि एक दो रस्सी आप डाल भी देते हैं गलत तो आपको आगे पता चल जाएगा कि एक दो रस्सी बाद में ही आपको सीक्वेंस वो सही नहीं दिखेगा, तो उसको आप पता लगा सकते हैं कि हमारा सही सीक्वेंस सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो इस प्रकार से फूल आके आपको डिजाइंस अलग डिजाइंस बनती हुई नजर आ जाएगी। तो ये सभी डिजाइंस आप बनाएंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने चारों फूल थे वो थोड़ा अलग डिजाइन से दिखाए थे, पर अब आपको ये चारों फूल हैं ये थोड़ा अलग डिजाइन से दिखाए, दोनों फूल आप डिफरेंस देख पाएंगे दोस्तों। ये पहले वाले फूल अलग हैं और ये फूल अलग हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये दो डिजाइंस के फूल आप डाल सकते हैं। और वैसे दोस्तों आपके जो भी डिजाइंस में अच्छे लगे फूल वो आप डाल लीजिए, कि ये डिजाइंस अच्छे लगते हैं तो ये डाल लीजिए, अगर ये अच्छे लगते हैं तो ये डाल लीजिए। हाँ तो दोस्तों पूरी डिजाइन इसी प्रकार से बना सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं। तो आगे ये थोड़ी जगह बच गई तो और भी एक दो रस्सी आप डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, या फिर आपको क्या करना है लास्ट में, कई दोस्त पूछ रहे हैं कि लास्ट में हमें क्या करना है, वो चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो लास्ट में जगह बचती है तो इसको एक दो आटा लगा के इसको पूरी क्लोज कर देनी, इस तरफ मैं आपको बता दूंगा और आगे देखा कर। फिर आपको क्या करना है, ये रस्सी हमने ले लिए तो ये लहर आपको जा रही है दोस्तों, ये लहर आप देख पा रहे हैं, इसको यहाँ से आपको मैच करानी है इसको, तो यहाँ इसमें डालकर आपको ये बांध देनी है दोस्तों। ये सबसे लास्ट में आपको मेन बात है कि इसमें क्या क्यों बांधनी है, क्या कि डोर हमारी है ये मैच हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से लेंगे और ये लास्ट में नीचे बांध देंगे, तो ये सभी रस्सी आपकी मैच हो जाएंगे हमारी। तो इसी प्रकार से देखो ये जगह बच गई है थोड़ी, आप देख पा रहे हैं इसमें क्या करेंगे, जगह में पहले दो आटा हम लगा देंगे, ये रस्सी हमारी लेकर और इसमें एक आटा लगा देंगे ताकि पूरी रस्सी हमारी है ये भर जाए जगह। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये काम कर लेना दोस्तों, आपके ऊपर है, ये आप चाहें तो ले सकते हैं आटा लगा सकते हैं, या आप चाहें तो दोस्तों नहीं भी लगा सकते, वो सब आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से देखो आटा लगा लेंगे ये, और फिर इसमें आप ये घुंडी में डाल देंगे और ये सभी को इकट्ठा कर देंगे। मैंने अंत में ये बांधी थी सबसे पहले, ये मैं खोल लेता हूँ और ये खोल कर यहाँ रख देते हैं, ये आ गई हमारी, देखो ये घुंडी हमारी है, तो इस घुंडी में ही ये मैच कराएंगे हम, वो मैच कराने के बाद में आपस में ये नीचे के ले जाकर दोस्तों इस प्रकार नीचे ले जाकर और इसको आप बांध देंगे यहाँ से, और ये भी हमारी सही मैच हो जाएंगी। देखो ये सभी बराबर हो गई, अगर थोड़ी जगह रहती है एक रस्सी और लपेट देना इसको, या एक रस्सी और डालती है तो आप और रस्सी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों मैच इस प्रकार से होगी और ये आपस में इस प्रकार से मैच होगी, जो ये लहर आपको दिख पा रही है हमारी, तो ये लहर आपस में आपको मैच करनी है। तो इस प्रकार से लास्ट में आपको मैच करनी है। बहुत से दोस्त मेरे को पूछ रहे थे कि किस प्रकार से लास्ट में हम कैसे बांधें, तो वो चीज़ मैं आपको बताइए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।